विमुक्तैस्तु विषयान् इन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। अध्याय 2 श्लोक नंबर 64। अर्थात किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा को प्राप्त कर सकता है। प्रसादे सर्व दुःखानां हानि रस्योपजायते प्रसन्न चेतसो याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। अध्याय 2 श्लोक नंबर 65। अर्थात इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है।